तो कॉलर के बकरम को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो हमारा कॉलर है 11 इंची, तो 11 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, 5.5 इंच में हम मार्क लगाएंगे, तो नीचे में हम 7 इंची का मार्क लगाएंगे और इसी के ऊपर हम 1.25 इंची का मार्क लगाएंगे। अब हम इसे स्केल से सीधा करेंगे, इसे भी सीधा करेंगे। अब हम कॉलर के पॉइंट के लिए 2.25 इंची में मार्क लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हम हल्का से इसे क्रॉस करेंगे। नीचे से हम 2 पॉइंट ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। अब हम यहाँ पर 1 इंची बढ़ती देंगे और यहाँ पर हम इसे हल्का सा क्रॉस शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये कॉलर की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसके मिडिल में कट लगाएंगे, इसके भी मिडिल में कट लगाएंगे। अब हम इसे कपड़े में बैठाकर निकालेंगे। तो ये कपड़ा हमारा डबल लेयर में है, तो यहाँ पर हम कॉलर को बैठाएंगे और इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे हम बीच से काट लेते हैं क्योंकि ये डबल लेयर में हमारा है। अब हम कॉलर को चिपकाएंगे, तो इस तरीके से हमें इसे चिपकाना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों कट हमें मिलाकर ही चिपकाना है ताकि सीने समय हमें दिक्कत ना हो। नीचे से हम इसकी कटिंग कर देंगे, ऊपर में हम 1/2 इंची का कपड़ा रखेंगे और नीचे में भी हमारा 1/2 इंची कपड़ा रख कर इसे फोल्ड कर देंगे। दोस्तों हमारी ये पेस्टिंग हो गई। अब हम कॉलर की सिलाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉलर। तो इसे हम कपड़े में इस तरीके से बैठाएंगे और पहले हम ऊपर के भाग को निकालेंगे और नीचे का भाग हमारा इससे निकलेगा। अब हम कॉलर की सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई हम बकरम पर एकदम किनारे देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कॉलर का नुकीला हिस्सा है, तो यहाँ पर हम धागे का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा कॉलर का पॉइंट अच्छी तरीके से निकल सके। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी धागे को पॉइंट के पास में रखेंगे और सिलाई देंगे। अब हम 1/2 इंची की मार्जिन रखकर इसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ पर गोलाई है वहाँ पर कट देंगे। तो कॉलर का जहाँ पर हमारा पॉइंट निकलेगा वहाँ पर हम कुछ कपड़े को छाट लेंगे और इस तरीके से हम धागे से पॉइंट को निकाल देंगे। तो धागा देने से हमारा पॉइंट काफ़ी अच्छा निकलता है। अब हम इसमें 2 पॉइंट की सिलाई देंगे। तो नीचे में हम किनारे में सिलाई देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कॉलर को बीच करेंगे और यहाँ पर कट देंगे। तो यहाँ पर भी हम कट देंगे बीच का, तो कपड़े के बीच में भी कट लगा देंगे ताकि हमें सिलाई करने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो तीनों कट को हमने आपस में मिलाना है। तो उससे पहले हम नीचे वाले जो हमारा कॉलर का हिस्सा है इसमें हम सिलाई दे देते हैं। तो यहाँ के एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देंगे। अब तीनों पल्ले के कट को हम मिलाकर इसमें सिलाई देंगे। और ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर हमें 1/2 इंच की मार्जिन रखकर कटिंग कर लेंगे। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई देंगे। तो दूसरी तरफ भी हम 1/2 इंची की मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। अब हम कॉलर को अच्छे तरीके से नाखून से बैठाएंगे और 1/2 इंच की मार्जिन रखकर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/2 इंच की मार्जिन रखी है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कट देंगे ताकि सिलाई करने समय हमें पता चल सके कि इसी के बराबर हमें यह सिलाई देनी है। तो इधर भी कट देंगे। अब दोनों को मिलाएंगे और बीच में हम कट देंगे। अब हम कॉलर को लगाएंगे। तो ये हमारी शर्ट हो गई। तो यहाँ पर हम इसके
गले के पास में से अच्छे तरीके से मिलाएंगे और नापेंगे कि ये हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी कटिंग करके इसकी गोलाई को बढ़ाएंगे। तो ये कटिंग हमें हल्की सी गोलाई शेप में देनी है। अब हम इसे मिलाएंगे कि ये हमारे बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा बराबर आ गया है। अब दोनों पल्लों को हम मिलाकर बीच में कट देंगे और इसे हम सीधे की तरफ रखेंगे। अब हम कॉलर का जो हमने कट लगाया है, तो हम मार्क से आपको दिखा देते हैं। तो दोनों कट को हमने इस तरीके से मिलाना है और इसमें हम सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने कट लगाया था, मार्क से आपको दिखा देते हैं। तो इसे आप पट्टी के एकदम बराबर रखें, ना तो इसे बड़ा करें और ना छोटा करें, नहीं तो यहाँ पर हमारा कॉलर सही से नहीं बैठेगा। देखिए, इसे हमने एकदम पट्टी के बराबर रखा है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी पट्टी के बराबर में कट को रख कर सिलाई देंगे। तो ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हम कॉलर के इस तरफ सिलाई देंगे और देखिए दोस्तों, इसे हम अच्छे तरीके से पट्टी के बराबर में बैठाना है, तो आप अच्छे तरीके से समझ लें। तो इस तरीके से हमारी ये सिलाई एकदम होगी ताकि ये कॉलर हमारा यहाँ पर अच्छे तरीके से बैठ सके। तो दूसरी तरफ भी हमें पट्टी के बराबर में ये सिलाई देंगे। अब हम इसे पलट लेंगे और कैंची से इस नोक निकाल देंगे। अब हम इसमें सिलाई देंगे। ये सिलाई हमारी टॉप में होनी चाहिए कॉलर के। तो यहाँ से हमारा जो भी कपड़ा निकले उसे आप कैंची से अच्छी तरीके से अंदर की तरफ कर लें और उसके बाद में इसमें सिलाई दें ताकि कॉलर की अच्छी फिनिशिंग आ सके। तो दोस्तों, ये हमारा कॉलर।